मैं रंजन कुमार सिंह, ज्ञान प्राप्त भाई रंजन सर से। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि शेख 210 अंश का मान ज्ञात कीजिए, और हम जानते हैं कि हमें 90 तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात होता है, परंतु इसको ज्ञात करने के लिए हम दो नियमों पर चलेंगे। पहले देखिए, इसे हम करते हैं दो स्थिति में हम इसको करेंगे। पहले ये 210 है, पहले लिख लेते हैं। अब देखिए, इसको करते हैं सेक 270 में से यदि हम 60 घटा देंगे, 270 में से यदि 60 घटा देंगे, 60 तो हमें 210 प्राप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि चतुर्थांश इस प्रकार से होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे 360 पुनः आ जाता है। अब देखिए, यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा चतुर्थांश है, और यह चौथा चतुर्थांश है। अब हम जानते हैं कि 270 यहाँ पे है, माइनस रहेगा तो पीछे आएगा, प्लस रहेगा तो आगे जाएगा। तो अतः यह किस चतुर्थांश में आ गया? तो 270 है, माइनस हो गया तो इस चतुर्थांश में आ गया, तो तीसरा चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में सेक क्या होता है? सेक माइनस होता है, क्योंकि इसमें 10 काट प्लस होता है। अब 270 पर सेक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो 270 एवं 90 एवं 270 पर बदलता है, क्योंकि वाई अक्ष वाले पर क्या होता है? यह बदलता है। तो वाई अक्ष पर 90 एवं 270 है, इसी पर बदलता है, इस पर नहीं बदलता। तो ये बदलेगा किस में? तो सेक बदलेगा कोसेक में, सेक बदलेगा कोसेक में। और थीटा के स्थान पर 60 है, तो यह 60 का 60 ही रह जाएगा। अब हम जानते हैं कि यह माइनस का माइनस, और इस 60 अंश का मान क्या होता है? 2/3। अतः यही हमारा क्या होगा? मान होगा। ये तो पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति यह होगी, दूसरी स्थिति दो तरीका से हम इसका मान निकालेंगे, और दोनों में से कोई भी आप करेंगे, कोई गलती नहीं होगा, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, चलिए। अब हम इसे लिख सकते हैं दूसरी स्थिति में, इससे 180 ये हो गया, और हमें है 210। तो 180 में यदि हम 30 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? जब इस प्रकार से होगा तब हमें देखेंगे कि 180 है, और 180 कहाँ पे है? यहाँ पे है। प्लस है तो आगे जाएगा, माइनस होता तो पीछे, जैसे यहाँ पे हमने माइनस किया था तो पीछे गया था। अब यहाँ पे प्लस है तो आगे आएंगे, तो आगे माने कि तीसरा चतुर्थांश, तीसरा में सेक माइनस होगा कि प्लस होगा? तो माइनस होगा। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि सेक माइनस होगा, और सेक 180 पर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। किस पर बदलता है? 90 पर बदलता है, 90 एवं 270 पर बदलता है। तो ना ये 90 है और ना ही 270 है, इसलिए यह बदलेगा नहीं। अतः सेक का सेक ही रह जाएगा, और यह जो 30 अंश है थीटा के रूप में, यही इसी प्रकार से उतर जाएगा। माइनस और सेक 30 अंश का मान जानते हैं कि 2/3 में 3 होता है। देखिए, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है, कोई अंतर हुआ? इस प्रकार से आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।